हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का जीके क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम एक्स रेज के बारे में पढ़ेंगे। एक्स रेज जब किसी मेटल के सरफेस पर हाई वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन गिरते हैं तो एमिट होती हैं। एक्स रेज का एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है और मॉडर्न वर्ल्ड में इन हाई एनर्जी एक्स रेज का काफ़ी यूज होता है। तो चलिए समझते हैं क्या है एक्स रेज। चलिए सबसे पहले एक्स रेज का प्रोडक्शन अरेंजमेंट डिस्कस करते हैं। एक्स रेज का अरेंजमेंट नीचे दिखाए गए फिगर के अकॉर्डिंग होता है। इसमें लो वैक्यूम ट्यूब में कैथोड, जो टंगस्टन मेटल का फिलामेंट है, टू एमिट इलेक्ट्रॉन को हाई एटॉमिक वेट के मटेरियल से बने एनोड से कनेक्ट कर देते हैं। जब कैथोड को एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करके हीटअप करते हैं तो टंगस्टन फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नली अप्लाइड वोल्टेज की वजह से एनोड की तरफ एक्सेलरेट होते हैं। अरेंजमेंट में कूलिंग का प्रोविजन भी दिया जाता है टू टेक आउट द हीट फ्रॉम द टारगेट। टारगेट मेटल को 45 डिग्री के एंगल पर रखते हैं टू गिव क्लियर पैसेज फॉर एक्स रे। चलिए अब देखते हैं कि हाई वेलोसिटी से चलने वाले इलेक्ट्रॉन कैसे एक्स रेज को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जब हाई वेलोसिटी से चलने वाले इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से टकराते हैं तो हाई एनर्जी होने की वजह से वो एटम के इनर सेल से भी इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देते हैं। अब ये कैसे होता है वो देखते हैं। अब इस वैकेंसी के लोअर ऑर्बिट में क्रिएट होने की वजह से हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन उसमें जंप करते हैं, क्योंकि एटम लो एनर्जी पर रहना चाहता है। तो इस ट्रांजिशन की वजह से एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। अब क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुए वो के शेल से हैं, तो एमिटेड रेज के अल्फा एक्स रेज कहलाती हैं। चलिए एक्स रेज के स्पेक्ट्रा डिस्कस करते हैं। इसके लिए एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं। जब kth ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन एमिट होता है तो ek हमको कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल बताता है। सिमिलरली el जब lth ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होता है तो एनर्जी लेवल बताता है, एंड सो ऑन। अब क्योंकि kth ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन के नॉकआउट होने पर एटम का एनर्जी लेवल मैक्सिमम होगा तो वो ऑर्बिट सबसे ऊपर बताया है। जब एटम का lth ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन kth ऑर्बिट में जंप करता है तो k अल्फा एक्स रेज एमिट होती हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन m शेल से k शेल में जंप करता है तो k बीटा रेज प्रोड्यूस होती हैं, और m शेल से l शेल में इलेक्ट्रॉन के जंप करने पर l अल्फा एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं, और इसी तरीके से l बीटा, m अल्फा एटसेट्रा होते हैं। हम जानते हैं कि ek, el और EM एटसेट्रा मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं टू वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेज। फॉर के अल्फा, फॉर के बीटा और एल अल्फा के कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ का वैल्यू फॉर ए पर्टिकुलर मटेरियल फिक्स होगा। तो इस वेवलेंथ को पता होने पर हम मटेरियल आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये रेस किस मटेरियल से आ रही है। इस तरीके से वेवलेंथ लैम्डा मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। चलिए अब इसके बारे में और स्टडी करते हैं और कॉन्टिन्यूस एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेस को समझते हैं। इसके लिए हम वापस से एक्स रेज के प्रोडक्शन अरेंजमेंट पर फोकस करते हैं। हम देखते हैं कि मेटल टारगेट से टकराने वाले इलेक्ट्रॉन के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला कि वो मेटल टारगेट से टकराकर उसका टेम्परेचर बढ़ा दे, और दूसरा वो मेटल के इंटरनल से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दे। इंटरनल ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी उस ऑर्बिट की एनर्जी के बराबर होनी चाहिए, तभी इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर पाएगा, नहीं तो ये एनर्जी मेटल का टेम्परेचर बढ़ाने में ही यूटिलाइज होगी। तो चलिए पहला केस जो टेम्परेचर बढ़ाने पर है उसके लिए इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच कर्व देखते हैं, जिसमें एक्स एक्सिस पर हम वेवलेंथ रखते हैं और वाई एक्सिस पर इंटेंसिटी रखते हैं। तो केस वन के लिए ग्राफ फिगर के अकॉर्डिंग आता है, जो कि हमें बताता है कि एमिट होने वाले रेडिएशन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ से ही स्टार्ट होते हैं और उससे कम वेवलेंथ के रेडिएशन का इंटेंसिटी जीरो होता है। अब ऐसा क्यों है वो समझते हैं। इलेक्ट्रॉन जो मेटल के सरफेस से टकरा रहे हैं उनके लिए एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल अगर वी है तो इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ई मैक्स विल बी इक्वल टू ई वी होगी। अब हम जानते हैं कि एनर्जी ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो इन दोनों इक्वेशन से हम समझ सकते हैं कि लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू एच सी बाई ई वी, जो मिनिमम वेवलेंथ हमें कर्व पर रिफ्लेक्ट हो रही है। इसे थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ भी कहते हैं और कर्व का शेप स्पेसिफिक टेम्परेचर पर एमिट होने वाले कॉन्टिन्यूस कर्व के सिमेट्रिक होता है। चलिए अब ऑप्शन टू पर फोकस करते हैं, जो हमें इलेक्ट्रॉन के इनर ऑर्बिट से नॉकआउट होने वाले केस में इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच रिलेशन बताएगा। ये कर्व फिगर के अकॉर्डिंग आता है और कॉन्टिन्यूस नहीं होता। ये शार्प वेवलेंथ हमें वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू के अल्फा और के बीटा बताई गई है। अब टोटल इंटेंसिटी इन दोनों कर्व के समेशन के बराबर होंगी, इसलिए इंटेंसिटी ड्यू टू मेटल इन दोनों कर्व को सम करके ऑब्टेन की जा सकती है। इसमें शार्पली डिफाइंड वेवलेंथ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कहलाती हैं और रिमेनिंग कॉन्टिन्यूस एक्सरे कहलाती हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।